हे हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज सीबीएसई की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है। एक बहुत ही बड़ी अपडेट है रिगार्डिंग क्लास 10th और क्लास 12th के विद्यार्थियों को लेकर, और इसी अपडेट पर दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले। साथ ही साथ दोस्तों हम क्लास 10th का जो आज बच्चों के हिंदी का पेपर था उस पर भी बात करें, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले आज के जो इम्पोर्टेंट अपडेट है जो सीबीएसई ने आज जारी किया दोस्तों, उस पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अब तक हो सकता है आप सभी को पता चल चुका होगा कि सीबीएसई ने क्लास 10th और क्लास 12th का जो है 2021 और 2022 से जो सैंपल पेपर है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जारी कर दिया है। जी हाँ, क्लास 10th और क्लास 12th को लेकर जी हाँ, जो टर्म वन के आप सभी के एग्जाम होने वाले हैं उसका जो पैटर्न है वो जारी कर दिया गया, जो मार्च अप्रैल में आपके सॉरी माफ कीजिएगा जो नवंबर दिसंबर में आपके एग्जाम होने वाले हैं उसका पैटर्न सीबीएसई ने जारी कर दिया है। तो अब जब पैटर्न जारी हो चुका है, सैंपल पेपर जारी हो चुका है, तो दोस्तों हम अब अपनी तैयारी को और एक नई दिशा देंगे, ताकि जो दिन बचे हैं हमारे एग्जाम को लेकर एग्जाम के लिए, उस शेष दिन में हम अच्छी तैयारी करें। तो ये जो सैंपल पेपर उसमें बहुत ही बड़ा योगदान करने वाला है दोस्तों। मैं उन सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध करता हूँ, जो भी छात्र छात्राएं क्लास 10th में है, क्लास 12th में है, क्लास 12th के जो आर्ट साइंस से पढ़ रहे बच्चे है ना, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उन बच्चों से अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर के द्वारा एक नई दिशा आप कह सकते हैं, एक नया अभियान चलाया गया है जिसमें हम आप सभी के लिए हर संभव मदद करेंगे 95+ दिलाने में दोस्तों। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास 10th वाले बच्चे भी जो हमारे चैनल पर नए, तो उनसे भी अनुरोध हो कि वो भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली अपडेट, आगे आने वाली वीडियो आप सभी तक पहुंच सके और आपको एग्जाम में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होने में हम आपकी मदद कर सके दोस्तों। तो ये अपडेट है, यानी अब आप क्लास 12th का और क्लास 10th का जो सैंपल पेपर वो आ चुका है, उसका लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर के द्वारा दोस्तों इस सैंपल पेपर को हम सोल्व भी करेंगे, और देखेंगे कि पैटर्न किस आधार पर सीबीएसई पर का निर्धारित किया हुआ है, जो नवंबर दिसंबर में टर्म वन के एग्जाम होने वाले हैं। तो प्लीज एक बार और रिक्वेस्ट करो कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं गारंटी देता हूँ कि जो हमारे आर्ट साइंस के बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें मैं 95+ से ज्यादा नंबर दिलाने की पूरी पूरी कोशिश, और हम ये गारंटी है दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको इसका फायदा बहुत ही ज्यादा होने वाला है इन फ्यूचर, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर जारी किया है, अब बात करते हैं दोस्तों सीबीएसई का जो इम्प्रूवमेंट वाले बच्चों का क्लास 10th का जो कंपार्टमेंट का प्राइवेट का पत्राचार बच्चों का पेपर था, उस पेपर को लेकर आज बात करते हैं। पेपर दोस्तों एमसीक्यू संबंधित काफी क्वेश्चन आए थे, और आपटित गद्यांश जो और पद्यांश थे वो काफी अच्छे थे, वो काफी अच्छे तरीके से पूछे गए थे। सही बच्चे बोल रहे थे कि सर पेपर जो है इस बार जो है इजी टू मॉडरेट आया है, कुछ बच्चे कह रहे थे काफी हार्ड आया है, बट मेरे हिसाब से पेपर तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही था, सही था, जो मैंने आपको सिलेबस बताया था उन्हीं चैप्टर में से लगभग जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आई होप आपको सभी का पेपर जो अच्छा गया, और आपको थोड़ी सी जरूर मदद मिली होगी मेरे जो आप सभी को मैंने कल सैंपल पेपर सोल्यूशन करके दिखाया था। तो अगर मदद मिली है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें जो है, अब मैं अगर अब बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर आप हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर से उसका उसे सोल्व कर दीजिए, तो दोस्तों मेरे पास पेपर मैं ले आया, ठीक है, पेपर मेरे पास हिंदी का आ चुका है, तो मैं इसे जल्दी सोल्व करके आप सभी के पास ले आऊंगा, ठीक है, आप अपलोड कर दूंगा तो उसे आप सभी तक पहुंच जाएगा, तो इसे थोड़ा सा समय लगेगा अपलोड करने में, ठीक है दोस्तों। तो मैं हो सकता है आज रात में या कल सुबह तक इसे पूरी तरह से सोल्व करके आप सभी को लिए अपलोड कर दूं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि आप जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप सभी तक इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों आज वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था, थोड़ा सा बहुत काम था, तो इस वजह से मैं अभी आपको थोड़ा सा लेट इन्फॉर्म कर रहा हूँ सैंपल पेपर को लेकर, नहीं तो मैं आप सभी को जैसी अपडेट आती है वैसे अपडेट कर देता हूँ इसके। और थोड़ा सा बिजी था मैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट के रिजल्ट को लेकर थोड़ी चीज़ें थी वो मैं समझ रहा था, ठीक है, टीचर से स्कूल से, तो उसको लेकर दोस्तों एक सेपरेट वीडियो मैं जल्दी लाने वाला हूँ, आज या कल तक आपको देकर अपलोड कर दूंगा, उसे आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अब जो बच्चे क्लास 10th में जो है उनका साइंस का पेपर बचा हुआ, मैथ का पेपर बचा हुआ, क्लास 12th वाले बच्चों का हिस्ट्री का बचा हुआ है, तो उन्हें आप देखना चाहिए क्योंकि पेपर का पैटर्न काफ़ी इजी आ रहा है, आसान तरीके से आ रहा है, तो आप किसी प्रकार से पैनिक ना करें। क्लास 10th का जो साइंस का पेपर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का दोस्तों,
उसकी वीडियो मैंने बनाकर चैनल पर दे दी, आप वहां से उसे देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं दी है देखी वीडियो, तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा ताकि आप वहां से देख सके दोस्तों। और आप सभी से एक दरख्वास्त है कि दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए, और आप सभी की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा दरकार है, क्योंकि हम आप सभी के लिए हर संभव मदद की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ जैसे भी मदद है पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है, इंक्वायरी से रिलेटेड, वो सारी मदद मैं आप सभी को पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और अगर मेरी कोशिश आप सभी को अच्छी लगे तो आप मुझे मेरी सराहना चैनल को सब्सक्राइब करके कर सकते हैं, लाइक करके कर सकते हैं, शेयर करके कर सकते हैं दोस्तों। ये छोटी सी रिक्वेस्ट है। और बाकी फर्दर अपडेट के लिए दोस्तों मैं जल्दी एक अच्छी सी वीडियो लेकर आने वाला हूँ, ताकि आप सभी को जितनी भी अपडेट है आजकल की वो सारी उसमें अपडेट को इंक्लूड कर सकूँ। और टेंथ के जो बच्चे हिंदी का सोल्यूशन चाहते हैं वो थोड़ा सा वेट कीजिए, उन सभी के लिए मैं सोल्यूशन जल्दी लाने वाला हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।